कल दिन में स्कूल के बच्चे के चाकूबाजी की घटना के पश्चात शहर में कानून व्यवस्था प्रभावित हुई है। बच्चे का भी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, लगातार डॉक्टर्स की टीम प्रयास कर रही है। बच्चे की स्थिति अभी स्टेबल है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी शहरवासियों से अपील है कि सामने राखी के त्यौहार को देखते हुए अनावश्यक किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं दें। किसी भी तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाली नजर में आवे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। पर्याप्त पुलिस बल, चाहे वो फिक्स पिकेट हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे रिजर्व हो, जयपुर के अलावा अन्य आसपास के जिलों से भी, जयपुर और आसपास के जिलों से पर्याप्त पुलिस बल डिप्लॉय किया गया है ताकि किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े। अंजाम दिया गया है उनकी सख्त कार्रवाई की जाए, साथ ही साथ शहर की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की अगर किसी के द्वारा कोई भी प्रयास किया जाएगा उसके खिलाफ भी पुलिस सख्ती से पेश आएगी। बच्चे के इलाज को लेकर किस तरह का प्रयास किया जा रहा है, क्या है? पूरी पुरानी बताई जा रही है। इसने आरोपी कह रहा था कि मैं उसके साथ मारपीट कर रहा हूं, इसीलिए मैंने कहा जो कोई भी सोशल मीडिया पे भ्रामक जानकारियां चल रही है उन पे ध्यान नहीं दें। जो कोई भी इस तरह की बात हमारे सामने आती है, चाहे वो सोशल मीडिया पे वायरल मैसेज की बात हो, उन समस्त के तह तक जाकर जो सच्चाई है वो सामने आएगी, और अगर इन बातों में बेस मात्र भी कोई सच्चाई निकली तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर्स की बेस्ट डॉक्टर्स की टीम बच्चे के इलाज में लगी हुई है, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बच्चे की शीघ्र स्थिति में सुधार कि आप और हम सब लोग उम्मीद डॉक्टर्स का जो बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है वो प्रयास जारी है। बाकी जो भी एक्सपर्ट्स की उनको जरूरत होगी वो राज्य सरकार खुद बच्चे की इलाज को मॉनिटर करती है, उसमें किसी तरह की कमी नहीं रखती है।